अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। और ये पालक को मैंने वॉश कर लिया है और अब मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है। ये 2 kg पालक है जिसको मैंने पानी में डाल के उबालने के लिए रख दिया। ये देखिए पालक हमारी रेडी हो गई है, बॉयल पालक। लेकिन मैं आपको एक बताना हूँ, इसमें आधी गट्ठी मेथी की है। पालक अब मैंने ब्लेंडर में डाल दिया, अब मैं इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। बस आपने बहुत हल्का से इसे ब्लेंड करना है, ज़्यादा नहीं ब्लेंड करना। ये देखिए पालक ब्लेंड हो गई है, हमें इसको इसमें डाल देती हूँ बाउल में। ये देखिए मैंने सारी पालक ब्लेंड कर ली है। ये देखिए पालक भी रेडी है ब्लेंड होके। अब मैं गोश्त रेडी करने लगी हूँ। और ये गोश्त मैंने ऑलरेडी कुकर में डाल दिया है, ये 1/2 kg गोश्त है। और अब मैं इसमें मसाले डालने लगी हूँ। 1 teaspoon रेड चिली, 1 teaspoon धरधरी मिर्च, 1 teaspoon नमक और 1/2 teaspoon हल्दी। 2 अदद में इसमें टमाटर डाल रही हूँ, लहसुन की जगह। और अब मैं इसे वेट लगा लूँगी। 1 glass में इसमें पानी डालूँगी क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद ही छोड़ देगा। और अब हम इसे वेट लगा लेते हैं 20 मिनट का। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब मैं इसको इसके अंदर में ऑयल डालने लगी हूँ 1/4 का। अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और अब मैं इसमें पालक डालने लगी हूँ। इसमें पालक डाल दी। ये देखिए पालक में उबाले आने शुरू हो गए हैं। इसमें मैं अब दूध डाल रही हूँ 1/4 cup। आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग मलाई भी डालते हैं। अब मैं इसको ढक्कन देके हल्की आंच पर पकने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए पालक ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया था 35 मिनट हो गए। तो तकरीबन हमारी पालक अब बन चुकी है, फिर भी मैं इसे मज़ीद 20 मिनट दूंगी दम पे। हमारी पालक बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त पालक गोश्त हमारी रेडी हो गया है और मैं इसे पुलाव के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे वाइट चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं क्योंकि इसका मज़ा चावलों के साथ ही आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।